दोस्तों आप सभी का मैं इस लेक्चर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और दोस्तों मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सेलिंग स्किल्स ये सिखाता हूं। दोस्तों सेल से मेरा पैशन है, कई सारे सालों से मैं सेल्स में हूं और कई सारे सालों से मैं सेलिंग स्किल्स ये पढ़ा रहा हूं। दोस्तों मैंने मेरे जिंदगी में अभी तक 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है और मैंने ये देखा है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिस वजह से वो वेल्दी बनते हैं, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। दोस्तों आज जो लेक्चर प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल इस प्रकार है, 11 पावर्स ऑफ वेल्थ। दोस्तों वेल्दी बनने के कौन से 11 पावर्स हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों ये सभी पावर्स हमारे जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में बहुत काम आते हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई सारे पावर्स ये जरूरी है जिसमें से 11 पावर्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों यहां पे जो नंबर्स भी मैंने दिए हैं ध्यान में रखिए वो रैंडम नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पहली पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 11वीं पावर ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट एक रैंडम नंबर्स है और सभी पावर हमें हमारे जिंदगी में उतार के हमारे जिंदगी में एक्सलेंस को और सक्सेस को अचीव करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं 11 पावर्स ऑफ वेल्थ। दोस्तों जो पहली पावर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, द पावर ऑफ पर्पस। दोस्तों जो लोग वेल्दी बने, जो लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़े उनके पास ये पावर होती है जिसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ पर्पस। दोस्तों पावर ऑफ पर्पस का ऐसा मतलब है व्हाई, क्या एक्चुअली आप क्यों करना चाहते हैं। जो लोग वेल्दी बनते हैं उनके पास एक क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है, वो अपने ड्रीम को बराबर से क्लियरिटी से देख सकते हैं और अपने ड्रीम को कन्वर्ट कर सकते हैं गोल में। जब दोस्तों आप ड्रीम को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये जो 5 क्राइटेरिया है SMART, ये 5 क्राइटेरिया आप जब लगाते हो तो जो ड्रीम है वो कन्वर्ट हो जाता है एक नंबर में या गोल में। तो दोस्तों जो लोग वेल्दी बने उनके पास क्लियरिटी ऑफ पर्पस होती है, व्हाई, इस सवाल का उनके पास आंसर होता है। कई बार व्हाई का सबसे अच्छा आंसर होता है व्हाई नॉट। अगर कोई पूछे व्हाई तो वो लोग आंसर देते हैं व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं करूं। और इसके लिए दोस्तों जो लोग वेल्दी बने अपने जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में, जिन्होंने एक्सलेंस को अचीव किया उनके पास ये पावर ऑफ पर्पस होती है, वाय का आंसर वो दे पाते हैं, उनके पास एक क्लियरिटी ऑफ थॉट होता है, क्लियरिटी ऑफ फीलिंग होता है, क्लियरिटी ऑफ इमोशन होता है और जिस वजह से वो अपने जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स में, प्रॉब्लम्स में, डिफिकल्टी में भी एक्सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए अगर हमें हमारे जिंदगी में आगे बढ़कर वेल्थ को अचीव करना है तो इस पावर ऑफ पर्पस को हमारे में डेवलप करना पड़ेगा, वाय का आंसर देना पड़ेगा, ड्रीम रखना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा गोल में और दिलोजा से उसे परसीव करना पड़ेगा। दोस्तों जो दूसरी पावर है वेल्थ की वो इस प्रकार है, द पावर ऑफ सेविंग। दोस्तों जो लोग वेल्दी बने वो लोग सेविंग के ऊपर भरोसा रखते हैं। दोस्तों ये देखा गया है कि जो लोग वेल्दी बनते हैं उनका पैटर्न इस प्रकार होता है, वो इनकम करते हैं, दूसरा स्टेप ऐसा होता है वो सेविंग करते हैं और फिर बचा हुआ जो है उसमें अपना खर्चा चलाते हैं। और जो लोग ये सेविंग नहीं कर पाते या जो लोग वेल्थ ये अचीव नहीं कर पाते उनका पैटर्न ऐसा होता है, वो इनकम करते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं और फिर बचा हुआ ये सेव करते हैं। तो दोस्तों जो पहला पैटर्न है वो सक्सेसफुल लोगों का पैटर्न है और वो इस प्रकार है कि वो इनकम करते हैं,
वो उनका जो डिसाइडेड टारगेट है उतना सेव करते हैं और फिर जो बचा हुआ है वो एक्सपेंडिचर जो है अपने उसमें चलाते हैं। दोस्तों, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी उन्होंने कहा है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अर्धम यानी आधा ऐसा कहेंगे। दोस्तों, एक प्रिंसिपल ऑफ अर्धम या आधा इस प्रकार कहता है कि इंसान जो इनकम जनरेट करता है उसे उस इनकम को आधे में तोड़ना जरूरी है। आधा इनकम उसे कंपलसरी सेव करना चाहिए और आधे इनकम में अपने जो खर्चे हैं वो चलाने चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है, बट इट इज पॉसिबल। तो आप सेविंग करिए। सेविंग का और एक ऐसा मतलब है कि अपना कमाया हुआ पैसा इस तरीके से टाइम बाउंड और इस तरीके से रिटर्न आवे ऐसे जगह पे रखना। ये जो पैसा है ये बढ़कर कुछ समय बाद, एक प्री डिटरमाइंड समय के बाद आपके पास वापस आना बहुत जरूरी है। तो सेविंग ये तभी कहा जाएगा। अदरवाइज कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा उनके पास वापस आता ही नहीं है, या बहुत कम पैसा वापस आता है और वो भी बहुत समय के बाद, जो उन्होंने सोचा रहता है उससे भी बहुत समय के बाद वो पैसा आता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए कि प्री डिटरमाइंड समय के बाद बढ़कर आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, बढ़ा हुआ आरओआई होके जो पैसा वापस आता है, इस चीज को हम लोग सेविंग कहेंगे। तो जो लोग प्रॉस्पेरिटी को, जो लोग वेल्थ को अचीव करते हैं वो प्रॉपर सेविंग करते हैं। दोस्तों, आपके मंथली जो इनकम है उसमें से आप एटलीस्ट 10% को इनिशियली सेव करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे अर्धम के प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश करिए। दोस्तों, मैं वापस कहता हूं, इट इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। और दोस्तों, जो लोग प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को अचीव करते हैं वो सेविंग के ऊपर भरोसा रखते हैं, एक टारगेटेड अमाउंट वो हर पीरियड में बाजू में रखते हैं, उसे सिक्योरली सेव करते हैं और उसके रिटर्न्स जो है ये बराबर से कैलकुलेटेड एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, दूसरी पावर मैंने आपको कही, द पावर ऑफ सेविंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर फॉर वेल्थ एंड अचीविंग सक्सेस इन अवर पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ। दोस्तों, जो तीसरी पावर ऑफ वेल्थ है वो इस प्रकार है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, एक बार आइंस्टाइन जी को, जो दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्हें पूछा गया था कि कौन सा लॉ या कौन सी पावर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, तो उन्होंने कहा था द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, ध्यान में रखिए, जब आपके छोटी चीज जमा करते, छोटी छोटी चीजों से, बूंद बूंद से सागर बनता है। और इसके लिए दोस्तों ये देखा गया है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे आप आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बाजू में रखते हैं तो वो पैसा जमा होके बहुत बड़ा एक सम एक्युमुलेटेड ये होता है। और दोस्तों, इसके लिए इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर आपको बिलीव रखना पड़ेगा। कई जगह पे देखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं इतना थोड़ा ही पैसा मेरे पास है तो मैं क्यों इसमें से सेविंग रखूं, वो सेविंग थोड़े से क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सही बात नहीं है। थोड़ा भी हो, आपको हर पीरियड में अगर आप बाजू में रखते हैं, तो जिसे हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों को एक साथ आके एक बहुत बड़ी चीज बनती है, तो उस प्रकार से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वजह से छोटे छोटे आपके जो अमाउंट हैं वो एक साथ आके एक बड़ा अमाउंट ये बनने वाला है, ये इसके ऊपर आप फेथ रखिए। दोस्तों, संस्कृत में ऐसा कहते हैं, श्रेय ही विद्या, श्रेय ही वित्तम, पंचयतानि क्षणे क्षणे। पांच चीजें जो है जिंदगी में ये हमेशा ये क्षण क्षणों में बनती है, जिसमें वित्त भी है, जिसमें अर्थ भी है, जिसमें पैसा भी है और वेल्थ भी है। और इसके लिए दोस्तों, ध्यान में रखिए कि आप थोड़े थोड़े से ज्यादा समुंदर बनाने की कोशिश करिए। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये सक्सेसफुल लोगों को मालूम होती है, जिस वजह से वो अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीजों को, थोड़े थोड़े पैसे को, थोड़े थोड़े वेल्थ को इकट्ठा करके एक बड़ा सम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिस वजह से
वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्री ये बनते हैं। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द वेल्थ। और इसके लिए दोस्तों आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर भरोसा रखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है उसके ऊपर भरोसा रखिए, थोड़ा जो भी है आप बाजू में रख के सेव करके उसे बढ़ने दीजिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असर उसके ऊपर होने दीजिए और आपके जिंदगी में वेल्थ को अचीव करते हुए आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक्सलेंस को अचीव करिए। जो चौथी पावर ऑफ वेल्थ है वो इस प्रकार है, द पावर ऑफ एक्शन। दोस्तों जो वेल्दी लोग होते हैं, जो लोग अपने जिंदगी में एक्सलेंस को अचीव करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, मैंने करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है और इस सक्सेसफुल लोगों की स्टडी में मैंने पाया है जो लोग वेल्दी बनते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सोचते हैं और उस सोचने में इतना समय गंवाते हैं कि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। हम जिसे मैनेजरियल साइकोलॉजी में कहते हैं पैरालिसिस ऑफ माइंड बाय ओवर एनालिसिस, बहुत ज्यादा सोचने के वजह से एक्शन ना ले पाने की प्रवृत्ति। दोस्तों इसके लिए ये देखा गया है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो नए आइडिया के ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। दोस्तों भगवद गीता में भी ये कहा गया है, कर्मण्य वाधिकारस्य, आप कर्म के ऊपर फोकस रखिए, ध्यान में रखिए जो एक्शन होती है वो हमारे इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से जोड़ने का एक ब्रिज का काम करती है। और जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि देखो देखिए दोस्तों एक्शन के दो ही आउटपुट हो सकते हैं, एक तो एक्शन से आपको सक्सेस मिल सकता है, अगर सक्सेस मिला तो उस एक्शन को आप रिपीटेड करिए, इवोल्यूशन से आगे बढ़िए, या एक्शन से आपको शायद फेल्यूर मिल सकता है तो उसे एज अ फीडबैक, एज अ डाटा की तरह लेके सुधार करके आगे बढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों एक्शन लेना ये बहुत जरूरी है और जो लोग वेल्दी बनते हैं ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो नंबर ओरिएंटेड होते हैं, वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं और वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। और इसके लिए दोस्तों हमें भी हमारे जिंदगी में एक्शंस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, भगवद गीता में भी ये कहा है कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म के ऊपर ध्यान देना ये बहुत जरूरी है, हमें एक्शन लेना जरूरी है। जैसे आप एक्शन लेते हो नए ख्याल के ऊपर, नए कंसेप्ट के ऊपर, नए आइडिया के ऊपर, तो उसे वास्तव का रूप आना ये चालू हो जाता है। और इसके लिए दोस्तों पावर ऑफ एक्शन is an also important power of wealth. बैलेंस होता है, जिस वजह से वो तर्क का और अपने इमोशन का अच्छा कॉम्बिनेशन करके सिचुएशन को फेस करते हैं। तो दोस्तों अगर वेल्दी बनना है
तो हमें हमारे बोथ ब्रेन को बैलेंस करके रैशनैलिटी और इमोशनैलिटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन करके आने वाले प्रॉब्लम्स को पजल समझ के, क्योंकि ध्यान में रखिए प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट पजल्स फॉर सक्सेस, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, ये प्रॉब्लम्स को पजल की तरह देखते हैं, जिंदगी को एक गेम की तरह देखते हैं, बिजनेस को एक जीतने के लिए गेम की तरह देखते हैं, और हमारे और पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली और सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए रैशनली एंड इमोशनैलिटी का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनके, एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग बनके, जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ते हुए वेल्थ को अचीव करना ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ रैशनैलिटी एंड इमोशनैलिटी इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वेल्थ। जो अगली पावर है पावर ऑफ वेल्थ की, वो इस प्रकार है, द पावर ऑफ कंपटीशन। दोस्तों ऐसा कहते हैं रेस में दो टाइप के घोड़े होते हैं, कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो दौड़ने के लिए दौड़ते हैं और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो जीतने के लिए ये दौड़ते हैं। दोस्तों जिंदगी के रेस में, जिंदगी के जंग में अगर हमें जीतना है तो हमें पावर ऑफ कॉम्पिटिशन को समझना पड़ेगा। कई लोग जो है वो कंपटीशन को बुरा समझते हैं, लेकिन हालांकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन के वजह से क्लाइंट्स को चॉइसेस मिलते हैं, एट द सेम टाइम कंपटीशन के वजह से आपको बेहतर बनने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स मुझे सेल्फ मोटिवेशन के लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए भी बुलाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन ये सेल्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों एक तरीका है सेल्फ मोटिवेशन का, और वो इस प्रकार है कि अपने कॉम्पिटिटर का अच्छे से स्टडी करके, कॉम्पिटिटर के गुणों को समझ के, वो खुद में डेवलप करके, और कॉम्पिटिटर के जो लैक्यूना है, जो वीक पॉइंट है, उसे स्टडी करके जिंदगी में सक्सेस को अचीव करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों द पावर ऑफ कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर फॉर वेल्थ। जो लोग वेल्दी बनते हैं वो पावर ऑफ कंपटीशन को समझते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से भी सीखते हैं, अपने प्रॉब्लम से भी सीखते हैं, जिंदगी में आने वाले दुखों से भी सीखते हैं और खुद को एक्सेल करते हैं। तो दोस्तों वेल्थ अचीवमेंट की एक इंपॉर्टेंट पावर है, और वो है अपने कॉम्पिटिटर से सीखना, जिंदगी के जंग से सीखना, मुश्किलों से सीखना, तकलीफों से सीखना और एक्सलेंस को अचीव करना। तो दोस्तों पावर ऑफ कॉम्पिटिशन is also a very important power of wealth. दोस्तों जो अगली पावर है और वो है पावर ऑफ फ्रेंडशिप। जो लोग वेल्दी बनते हैं वो अच्छा एक फ्रेंड सर्कल डेवलप करते हैं। दोस्तों हर इंसान में हर काबिलियत नहीं होती, और इसके लिए कुछ चीजें उसे आउटसोर्स करनी पड़ती है, और इसके लिए दोस्तों आप भी आप एक अच्छा फ्रेंड सर्कल डेवलप करिए। दोस्तों ऐसा कहते हैं इंसान वही बनता है जो वो आसपास के पांच लोग अपने मन से जोड़ता है, और इसके लिए दोस्तों आप भी सक्सेस माइंडेड, प्रोग्रेसिव और एक्सलेंट लोगों के साथ ये दोस्ती बनाइए। दोस्तों आप नेगेटिव और नेगेटिव माइंडेड लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो भी आप में नेगेटिविटी इंकल्केट कर सकते हैं, और दोस्तों इसके लिए आप पॉजिटिव सक्सेस माइंडेड एक्सलेंट लोगों के साथ दोस्ती बनाइए, उनके ग्रुप में रहिए और कोशिश ये करिए उनसे आप गुणों को एक्सेप्ट करके, सीख के, इवॉल्व करके आपके जिंदगी में आगे बढ़ सको। तो दोस्तों अच्छे फ्रेंड सर्कल को डेवलप करिए,
ये देखा गया है जो लोग अपने पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ये डेवलप करते हैं, उनके पास एक अच्छी टीम होती है और उस टीम के वजह से वो लोग जिंदगी में सक्सेस को अचीव करते हैं, वेल्थ को अचीव करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक अच्छी टीम बनाइए, एक अच्छी टीम के वजह से, जिसे हम लोग मैनेजरियल साइकोलॉजी में कहते हैं कैथारसिस, आप आपके प्रॉब्लम्स बात कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, जिस वजह से आपकी भावनाओं को एक लेआउट मिलता है, आप क्लियर माइंडेड होके फिर पॉजिटिवली सक्सेसफुली सोच सकते हैं। अच्छे दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको सहारा देते हैं। और इसके लिए दोस्तों एक अच्छा टीम बनाइए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ये डेवलप करिए। जो लोग वेल्दी बनते हैं वो एक अच्छा टीम, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ये डेवलप करते हैं। और दोस्तों इसके लिए डेवलपिंग अ गुड फ्रेंड सर्कल, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वेल्थ। जो अगली पावर ऑफ वेल्थ है वो इस प्रकार है, द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों ये देखा गया है कि आर्मी का एक प्रिंसिपल है, वही आर्मी ये जंग को जीतती है जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और इसके लिए दोस्तों अगर वेल्थ को अचीव करना है तो जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरीका ऐसा है कि अपने चीजों को, हमारे पास कितनी चीजें हैं उसे बराबर से मैनेज करना, कौन सी ओवरलैपिंग चीजें हैं उसे अवॉइड करना, और कम से कम चीजों से ज्यादा सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करना। कई बार ये देखा गया है कई लोग इतने सारी चीजें ये जमा करते हैं जिस वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ये लॉस्ट हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता जिंदगी में क्या करना है। मैनेजरियल साइकोलॉजी में जिसे चॉइस पैरालिसिस कहते हैं उन्हें वो प्रॉब्लम होती है और उस वजह से एंड वक्त पे करना क्या है उन्हें समझ में नहीं आता। और इसके लिए दोस्तों आप कम से कम चीजों से ज्यादा सक्सेस अचीव करने की कोशिश करिए, जिस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी ये बनी रहेगी और जिस वजह से आपको पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये अचीव हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी को एक तरीके से ऐसा भी देखा जा सकता है कि चेंज के प्रति, जो बदलाव है उसे, उसके प्रति पॉजिटिव रहना, उसके प्रति प्रोग्रेसिव रहना। क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए, बदलाव ये संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। और आजकल के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जमाने में हर दिन हर घड़ी बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव को रेजिस्ट ना करते हुए इस बदलाव को अडॉप्ट करना, देखो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, विश फॉर मोर स्किल्स। ऐसा मत सोचो कि तकलीफें कम होंगी, ऐसे सोचो कि ये तकलीफों से हम क्या नए स्किल्स डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सेलिंग स्किल्स है, अलग अलग सेलिंग स्किल्स आप सीख के भी आपके बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, बदलाव के प्रति पॉजिटिव रहना, बदलाव के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहना, एंथुसियास्टिक रहना, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी का एक लक्षण है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोग वेल्थ को अचीव करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, जो लोग अपने पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो लोग अपने कम चीजों से ज्यादा सक्सेस को अचीव करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों जापानी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में जिसे जीडो का कहते हैं, यानी सिंपल सॉल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी में होना यह बहुत जरूरी है। और जिनकी बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फैमिली एंड सोशल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो बदलाव के प्रति बहुत ही ओपन माइंडेड रहते हैं और जिस वजह से वो वेल्थ को अचीव करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वेल्थ।
और दोस्तों इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, आप भी नॉलेज के ऊपर बहुत जोर दीजिए, नॉलेज नई चीजें सीखने की कोशिश करिए, नए स्किल्स को डेवलप करिए और अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की दिलोजा से कोशिश करिए। तो दोस्तों ये देखा गया है जो लोग वेल्थ को अचीव करते हैं वो नई चीजें समझते हैं, फाइनेंस का नॉलेज लेते हैं, कई सारे लीगल एस्पेक्ट्स के नॉलेज लेते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज को वो ओपन होते हैं, नए नए कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वो अटेंड करते हैं और नया नॉलेज ये लेते हैं, खुद के नॉलेज को अपडेट करते हैं, खुद नया सीखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई उन्हें कहता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा आगे बढ़ने के लिए तो एटलीस्ट वो सुन के लेते हैं, उनके पास लिसनिंग की कैपेसिटी होती है, नए आइडियाज को ओपनली समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बजटिंग बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए दोस्तों नॉलेज इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। और दोस्तों भगवद गीता में भी ऐसा कहा गया है, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान जैसी कोई पवित्र चीज नहीं है, ज्ञान बहुत पवित्र चीज है। और दोस्तों हमें भी ज्ञान का प्रकाश ये प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए दोस्तों आने वाले ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जमाने में कॉम्पिटिशन हाइपर कॉम्पिटिशन के जमाने में भी नॉलेज को अचीव करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पावर ऑफ जो वेल्थ है ये इंपॉर्टेंट पावर इसमें समाई हुई है और वो है द पावर ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों आप भी इस पावर ऑफ नॉलेज को डेवलप करिए, नए बेहतर और अच्छे चीजों को सीखिए। एक चीज को अगर किसी नए बेहतर और अच्छे चीज से अगर किया जा सकता है तो उस तरीके को समझिए, नई किताबें पढ़िए, नए लेक्चर प्रोग्राम्स को जानिए सीखिए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए और नए नॉलेज के साथ जिंदगी में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जिंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो पजल्स हैं, उसको नए टेक्निक्स के साथ फेस करते हुए, खुद के स्किल्स को बढ़ाते हुए अपने पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़िए। तो दोस्तों पावर ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वेल्थ। जो अगली पावर ऑफ वेल्थ है वो इस प्रकार है, पावर ऑफ एक्सलेंस। दोस्तों जो वेल्दी लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो पावर ऑफ एक्सलेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं। पावर ऑफ एक्सलेंस इसे ऐसा कहा जा सकता है, परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट रहना। परसिस्टेंट मतलब एक चीज पूरी होने तक
लगातार जिलोजा से वो चीज करने की प्रवृत्ति, उसे परसिस्टेंसी ये कहा जाता है। कंसिस्टेंसी मतलब एवरीडे हर दिन वो चीज करने की प्रवृत्ति। जो लोग सक्सेस और वेल्थ को अचीव करते हैं वो कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस होते हैं और वो पावर ऑफ एक्सलेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं। पावर ऑफ एक्सलेंस का ऐसा भी मतलब होता है गलतियों से सीखते हुए, खुद के और दूसरों के गलतियों से सीखते हुए, हिस्ट्री से सीखते हुए। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि आप आपके हिस्ट्री से ये सीखिए, लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री, डू योर बेस्ट इन द प्रेजेंट एंड एक्सेल इन द फ्यूचर। तो दोस्तों जो वेल्दी लोग होते हैं वो इस पावर ऑफ एक्सलेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो हर दिन अपने काम को बेहतर बनाते हैं, हर दिन वो इवोल्यूशन के ऊपर, उत्क्रांति के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो दुनिया में हर चीज से सीखकर एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, खुद को पर्सनली, प्रोफेशनली, फैमिली एंड सोशली बढ़िया बनाने की और लगातार तरक्की करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो वेल्थ को अचीव करते हैं, जो सक्सेस को अचीव करते हैं अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में, सक्सेस को अचीव करते हैं वो इस पावर ऑफ एक्सलेंस के ऊपर, परस्यूट ऑफ एक्सलेंस के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, वो खुद को बेहतर बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लगातार जिंदगी में आगे बढ़कर सक्सेस और प्रोग्रेस को अचीव करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने खुद के अंदर बैठे एक्सलेंस को ये डेवलप कर पाए। और दोस्तों इसके लिए पावर ऑफ एक्सलेंस इज एन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वेल्थ। दोस्तों जो 11th पावर है द पावर ऑफ वेल्थ की, और वो है पावर ऑफ सेल्स। दोस्तों हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सेल्स में होता है, और आज के और आने वाले ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जमाने में कई सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, कई सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, कई सारे सर्विसेस आएंगे, और इस हाइपर कॉम्पिटिशन के जमाने में अगर अपने बिजनेस को और अपने टीम को और खुद को भी अगर आगे बढ़ना है तो सेलिंग स्किल्स ये समझना बहुत जरूरी है। सेल्स के दोस्तों कई सारे डेफिनेशन हैं और उसमें से एक डेफिनेशन ऐसा है, सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, सेल्स इज अ अचीविंग प्रॉफिट एट क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्स के नए नए तरीके, सेल्स के नए नए स्किल्स को सीखना ये भी वेल्थ को, सक्सेस को अचीव करने का एक इंपॉर्टेंट ऐसा जरिया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द वेल्थ। तो दोस्तों जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग वेल्दी होते हैं वो नए नए सेलिंग स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने कई जगह पे ये देखा हुआ है कि अच्छा प्रोडक्ट होता है, अच्छी सर्विसेज होती है, अच्छे कंसेप्ट होते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन उनको सेल करने की एबिलिटी ये नहीं होने की वजह से वो आइडल बैठे होते हैं, और उसके वजह से इन्वेंटरी बहुत बढ़ती है, और उसके वजह से मार्केट का उनका जो डिमांड है वो लॉस हो जाता है, और ओवरऑल बिजनेस ये फिर डाउन रेशो में चला जाता है। और इसके लिए दोस्तों सेलिंग स्किल्स सीखना, सेल्स के नए नए चीजों को सीखना, सेलिंग स्किल्स को बेहतर बनाना, खुद के और अपने टीम के लिए सेलिंग स्किल्स के लेक्चर्स भी अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेलिंग स्किल्स ये भी एक जरिया है वेल्थ को अचीव करने का। तो पावर ऑफ सेल्स ये भी सक्सेसफुल, हैप्पी और प्रोग्रेसिव बनने की एक इंपॉर्टेंट ऐसी पावर है। और दोस्तों ये देखा गया है जो लोग अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं उनके पास सेल्स की भी एक अच्छी पावर होती है, और वो उस पावर को लगातार डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी नए नए सेलिंग स्किल्स को सीखिए और आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में तरक्की और प्रोग्रेस को अचीव करिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, पावर ऑफ सेल्स इज एन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ वेल्थ।
दोस्तों, इस तरीके से आज हमने 11 पावर ऑफ वेल्थ ये लेक्चर प्रोग्राम समझने की कोशिश की। दोस्तों ध्यान में रखिए, कई सारी पावर्स हैं और उसमें से 11 पावर्स आज मैंने आपके साथ शेयर की। जो नंबर्स भी मैंने यहाँ पे दिए थे वो रैंडम नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पहली क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये कम इंपॉर्टेंट है और 11वीं ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट रैंडम नंबर्स हैं, सभी क्वालिटीज ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वालिटीज को हमें हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में डेवलप करते हुए वेल्थ को अचीव करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप सक्सेस माइंडेड हो, ये पूरा लेक्चर प्रोग्राम आपने समझने की कोशिश की, आपने नोट्स भी जरूर लिखे रहेंगे, इससे यही पता चलता है आप सक्सेस माइंडेड हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ने की एक जुनून रखते हैं। और ध्यान में रखिए दोस्तों, प्रेजेंट और फ्यूचर ये आप जैसे सक्सेस माइंडेड लोगों का ही है। दोस्तों अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सेलिंग स्किल्स के ऊपर लेक्चर प्रोग्राम अगर कंडक्ट करने हैं तो आप जस्ट गूगल में जाके www.google.com पे जाके आप मेरा नाम टाइप करिए, प्रोफेसर PROF.SWAPNEL आप टाइप करेंगे तो आपको मेरे बारे में कई सारे डिटेल्स मिलेंगे, मेरे टेलीफोन नंबर भी आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं आपके साथ मेरा मोबाइल नंबर शेयर करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9322298390। मैं वापस कह रहा हूं, माय नंबर इज 9322298390। दोस्तों मेरा ईमेल आईडी ऐसा है prof.swapnel@gmail.com। तो दोस्तों आप गूगल में जाएंगे, मेरा नाम टाइप करोगे तो आपको कई सारे लेक्चर प्रोग्राम्स सीखने को और समझने को मिलेंगे और मुझे ये पूरा भरोसा है आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में तरक्की करने के लिए वो अलग अलग लेक्चर प्रोग्राम्स भी बहुत काम आएंगे। दोस्तों आप सक्सेस माइंडेड हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर जिंदगी में आगे बढ़ने की जो एक जुनून है उसको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके दिल में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों दुनिया में आप बहुत आगे बढ़िए, सक्सेस को अचीव करिए, ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।